तो यार स्वागत है तुम्हारा आज की एक और नई वीडियो में। तो यार कल बिग बॉस के अंदर एक टास्क हुआ जिसमें भाई सभी कंटेस्टेंट को परसेंटेज वाइज ये बताना था कि कौन ज्यादा एंग्री है, कौन ज्यादा बदतमीज है और कौन ज्यादा कंफ्यूज्ड है। सलमान खान ने फुकरा इंसान और अविनाश को चुना, दोनों को परसेंटेज वाइज ये सब चीजें जमानी थी और उनका रीजन बताना था कि ये एंग्री क्यों है, बदतमीज क्यों और कंफ्यूज क्यों है। यार शुरुआत हुई अविनाश से, उन्होंने भाई 31% फुकरा इंसान को लालची बताया और उसका रीजन उन्होंने वो बताया जो कि भाई फुकरा इंसान के हिसाब से बिल्कुल भी सेंस नहीं करता। यार अविनाश ने ये रीजन बताया जब बिग बॉस ने फुकरा इंसान से घर का कैप्टन बनने के लिए पूछा, तब वो यह चाहते थे कि या तो कैप्टन उनके ही ग्रुप का कोई बन जाए या फिर वो खुद ही बन जाए। तो भाई ये तो मुझे कहीं से भी सेंस वाली बात लगी ही नहीं। तब भाई अविनाश ने बताया जब कैप्टनसी के टास्क के दौरान इन्होंने फुकरा इंसान का पुतला पानी के अंदर फेंक दिया था, तो इस पर भाई फुकरा इंसान कहे कि वो तो मैंने कैप्टनसी दे दी, अगर वरना तुमने मेरा पुतला पानी के अंदर नहीं फेंका होता तो भाई मैं तुम्हें ही पक्का कैप्टन बनाता। ये बात सुन के मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रखा हूँ। वैसे तो भाई मैं फुकरा इंसान के सपोर्ट में हूँ, लेकिन भाई अगर फुकरा इंसान का पुतला लास्ट तक रह जाता तो भाई तुम लोग कमेंट करके बताना कि फुकरा भाई अविनाश को कैप्टन बनाते या फिर नहीं बनाते।